ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती ताली उड़ानों की। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे दलसा से मैडम हमारी यहाँ पे आई है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे सीओ साहब यहाँ पे आए हैं या जो हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे सीओ साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारी वाइल्ड ग्लोब एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एडवोकेट सईद जुनैद ज़ादा साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस जगह पे आज ये खूबसूरत सा प्रोग्राम, खासतौर जो कि हमारे नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस पर आज बात करने के हवाले से यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। क्योंकि आप सबको पता है कई प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए हैं और पिछले 5-10 सालों से करीबन हम ये काम कर रहे हैं कि समाजी सतह पर हम एक अपना एक नुमाया किरदार अदा कर सकें, और हमने कोशिश भी की, जिसमें आपने देखा कि हमने कुछ गरीब लड़कियों की शादी भी की या प्लांटेशन ड्राइवर्स, क्लीनर्स ड्राइवर्स, जितने भी बहुत सारे इश्यूज थे वो हमने कोशिश की कि हम सोसाइटी में वो मसले हल कर सकें। लेकिन साथ ही साथ चूँकि अगर हम बात करें मंशियात की, मंशियात का इस वक्त जो है सबसे बड़ा रुझान है, खासतौर पर चूँकि मेरा ताल्लुक डाउनटाउन से है, अक्सर गलती डाउनटाउन पर, मेरे हमारे अजीज दोस्त साहब यहाँ पे मौजूद है आसिफ साहब, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इनको पता होगा कि डाउनटाउन में इस वक्त हालात क्या है। जन श्रीनगर का हार्ट जो स्विच डाउनटाउन, वहाँ के नौजवान कितने ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि हम कई अरसे से चाहे हमारी आर्मी हो चाहे हमारी पुलिस हो उनके साथ काम कर कर मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो मेनेस को, इस मुसीबत को, इस बिदत को जो है हम अपने मुआशरे से निकालें। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त कितनी बड़ी बुरी हालत है कश्मीर में। तो एज रिसेंटली पता 100% क्या हो, एक ड्रग एडिक्टन तेम कर पे माजून का ऐसा पता शायद नहीं है पता। आप इस वक्त हालात देखिए, मुल्किशिर पी का मस्जिद बच चू, मस्जिद मेन होलन ठंड चू, ये कम तिम नौजवान करा ड्रग्स मे इन्वॉल्व गुस अक्सर ये कत वन जहाँ, चूंकि आप सब तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ जिस माशरे में जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा पैदा नहीं होते। और आप सब में जो है यहाँ पे एक कौमी रहनुमा है, हमारे गांधरबल के जो नौजवान है आप सब में एक साझा तारीख है, हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे, हमारे जो भाई बैठे हैं आप सब में एक परवेज रसूल है, आप यहाँ पे कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं, आप कश्मीर का नाम ही नहीं बल्कि साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन कर सकते हैं। लेकिन हमें आज देखना है, अपने अंदर जाकर देखना है कि हमारी माशरे में इस वक्त क्या हो रहा है, कतिया नौजवान अलपल मे बसान 14 लाख नौजवान तम ड्रग्स मे इन्वॉल्व कतिया ये मे 33 साल सानी बनती इन्वॉल्व गा अफसूस कत खुश हमेशा ये कर। सबसे पहले चूंकि हमारे डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब चूंकि कश्मीर कंसर्न से हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की है कई नौजवान जो है ड्रग्स से निकले, और ये हमेशा कोशिश करते हैं। और चूंकि सोन मिशन ही वारियान प्रोग्रामन मज चूंकि एन जी ओ कश्मीर कंसर्न लेवल पे तम पे कोशिश करा कि कोशिश हम कर रहे हैं कि नौजवान इस ड्रग्स से बाहर निकले। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है वालिदैन को जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करने की जरूरत है। अत खुद ऐसे टीचर हजरात उस्ताद इन नुमाया रोल अदा कर, चूंकि मैं अक्सर हमने डलसा के साथ भी कई प्रोग्राम हमने श्रीनगर में भी किए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमने गवर्नमेंट से भी यही एक हमने जो रिसर्च इस पर हमारी है, हमने हमेशा यही कहा है कि इंतजामिया कमेटीज जो होती है, जो मोहल्ला कमेटीज होती है, जो मस्जिद कमेटीज होती है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है ताकि इस जो मुसीबत को है, इस बिदत को जो है हम अपने माशरे से निकाल सकें। मेरे पास अक्सर डाउन टाउन से नौजवान आते हैं, कहते हैं कि आप सुनाना, मेरा नाम फारोज है, मेरा नाम डैनी। तो जिस मसले में नौजवान की अलग ये हो, वो नौजवान इस कौन का नाम क्या बदले, और कई शॉप माना कि अलग लिहाजा तुम से उनके सोसाइटी को मकबर बस क्या हालत होना चाहिए, क्योंकि आज के समय डैनी की कोई हालत पता होगा कि इस वक्त डाउन टाउन में क्या हालात है, यहाँ के कश्मीर में क्या हालात है, कदम वर्ग में क्या हालात था, मकबर पेट क्या हालात था, आपने यहाँ से मकबर पर नारे मुबारक कई थे इस तरह की मोहम्मद रसूल तिमन क्या शासन हाल। बुझ यही अक्सर वन हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, वालिदैन की दुआओं से हमें आगे बढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे कि उदाहरण दे टीचर हजरात से किसान नाजरी इनसे भी मैं कहता हूँ और आपसे भी, क्योंकि आप तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें बुले शाह ने सही कहा है कि पढ़ पढ़ किताबा इलिम दिया ते नाम रख लिया काजी, अतरिश पढ़ ली तलवार ते नाम रख लिया गाजी, और नादा हासिल के किताब जो तो रब न कीता राजी। तो मुझे लगता है रब को राजी करने की जरूरत, रब को राजी करने की जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ आपस में वजूहत जिम जन सारी बुढ़ियों वजूहत ये चीज कुछ मोल मोज बोलना अल्लाह सज कह कह कुछ जाए मोल मोज साम हेवान कहें कि अल्लाह कहते हो और गलत सही जुड़ाना। जो हमारे उस्ताद हैं इनको भी चाहिए कहीं हद तक ये अपने जो बच्चों की है वो बातें सुनी। और जो हमारी जो इसमें एक और वजह भी ये है कि आपकी ज़ाती ताल्लुकात किसी एक शख्स के साथ होते हैं फिर वो रिश्ते आगे चलते नहीं हैं, क्योंकि एक धोखे के रिश्ते होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वो सस्ते लोग होते हैं, उनके लिए कोई महंगे आंसू नहीं बहाए जाते। इसलिए मैं कहता हूँ इनसे नियम जदी कैसे आसान इन तालमेल वालमे चीज से आसान इन धोखों में मत रहिए। अगर कहा हकीकी मोहब्बत करा सिर्फ मोल मोज आसान इन दर्द से आसान इन अल्लाह। इसीलिए मैं आपसे आज बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इनशाला योत्ताम ये ऐसे अस्तान कलंदर सबन यिंद साय अस पे योत्तान योत्म सोन सा हजरत अमीर कबीर अस पे दोस्तों हम इंशाल्लाह इसका रब का खादिमा हम यहाँ से पूरा करके रहेंगे जम्मू कश्मीर से इंशाल्लाह। तो लेकिन हमें मुझे खुशी है कि हमारी जो आर्मी है काफ़ी अच्छा रोल अदा कर रही है। कई हमने प्रोग्राम्स किए आपको पता होगा, कई हमारी जो जो हम एसएसबी साहब के इनके जो सीओ साहब यहाँ पे बैठे हैं इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इन्होंने अपने ऐसी कीमती वक्त में भी ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। या हमारे मीडिया से जो भाई यहाँ पे बैठे हैं एहसान साहब हैं बाकी हमारे राजा साहब हैं इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इन्होंने हमेशा कोशिश की है। पिछली बार हमने जब श्रीनगर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की रक्स के हवाले से अवेयरनेस के हवाले से ये अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट से भी वहाँ आए वो कवर करने के लिए, ताकि कोशिश यही है हमारी कि हमारे जो नौजवान हैं वो कम से कम इस ड्रग्स में से निकल जाए, वरना ये जो सैलाब है ये जो बारिशों की बूंदें हैं ये एक दिन ऐसा पानी बहाएगी एक दिन ऐसा सैलाब आएगा फिर इस सैलाब में सब चले जाएंगे। लिहाजा नेरा नेरा मनवीर का जाने जाने में यही कहना चाहूँगा कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं, मुझे किसी से उम्मीद नहीं, ना आप किसी से उम्मीद रखना, मुझे अपने आप पर यकीन है, आप अपने आप पर यकीन रखना। आपका शुक्रिया।